गाइस, अगर आप लोगों को हॉलीवुड की मूवीज यूट्यूब पर देखना पसंद नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने जितनी भी मूवी को कवर किया उन सबको आप यूट्यूब पर देख सकते हो। लेकिन 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 मूवी देखने से पहले आप लोगों को मूवी का नाम मुझे कमेंट में बताना होगा, जिससे कि मैं आप लोगों को उस मूवी का लिंक दे सकूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लगते साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहे। तो करते हैं वीडियो को किसी देर के स्टार्ट। अपने प्यार के खातिर उन्हें राख में मिलाने का। नंबर वन द बैलकलीन। ये मूवी साल 2019 में रिलीज हो चुकी एक्शन वॉर मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.6 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है कुछ आतंकवादियों की, जिन्होंने एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया होता है और जितने भी लोग उस एयरपोर्ट पर होते हैं उन सभी को बंदी बना लिया होता है। तभी कहानी फोकस करती है कुछ सोल्जर्स के ऊपर, जिनको ये मिशन दिया जाता है कि उन्हें उन सभी आतंकवादियों को गिरफ्तार करना होगा। तो क्या वो सोल्जर्स उन सभी आतंकवादियों को पकड़ पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और आप लोग इस मूवी को हिंदी में आराम से यूट्यूब पर देख सकते हो। नंबर टू क्लीन स्किन। ये मूवी साल 2012 में रिलीज हो चुकी एक्शन क्राइम थ्रिल मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.2 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक बंदे की, जो कि एक एजेंसी के लिए काम करता है। और एक दिन इस बंदे को एक बॉम्ब अटैक के बारे में पता चलता है, जो कि इसके शहर पर ही होने वाला होता है। तभी बंदा अपने सीनियर ऑफिसर को यह बात बताता है, तो वो ऑफिसर इस बंदे को बॉम्ब अटैक रोकने का मिशन देता है। तो क्या ये बंदा उस बॉम्ब अटैक मिशन को रोक पाएगा और ये बॉम्ब अटैक कहां पर होने वाला है, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी तो एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर भी ट्राई कर सकते हो। नंबर थ्री स्टैंड अप गाइस। ये मूवी साल 2013 में रिलीज हो चुकी कॉमेडी क्राइम थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.4 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक हिटमैन की, जो कि दूसरे लोगों को टपकाने का काम करता है। और ये हिटमैन दूसरे लोगों को टपकाने के लिए पैसे लेता है। तभी इस हिटमैन को एक बंदे को टपकाने का मिशन दिया जाता है। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब ये हिटमैन उस इंसान को टपकाने के लिए उस इंसान के पास आता है, लेकिन जिसको ये हिटमैन टपकाएगा वो हिटमैन का ही फ्रेंड होता है। तो क्या वो हिटमैन उस बंदे को टपकाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कॉमेडी क्राइम मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर भी ट्राई कर सकते हो। नंबर फोर डॉन जॉन। ये मूवी साल 2013 में रिलीज हो चुकी कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 6.5 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक जॉन नाम के बंदे की, जो कि हर दिन एक नई गर्लफ्रेंड बनाता है और मजे करता है। लेकिन एक दिन जॉन को एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसके बाद जॉन उस लड़की से शादी कर लेता है और ये दोनों एक नई जगह पर घूमने के लिए चले जाते हैं। लेकिन आगे इन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिनके बाद तो भाई आप लोगों को बहुत ही मजा आएगा। तो अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। अगर आप लोगों को कॉमेडी रोमांटिक मूवी देखना पसंद है तो आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर भी ट्राई कर सकते हो। नंबर फाइव जियोस्ट्रॉम। ये मूवी साल 2017 में रिलीज हो चुकी कमाल की साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग 5.3 की है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है फ्यूचर की, जहां पर इंसानों ने ऐसी मशीन को तैयार किया होता जिसकी मदद से वो मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि इंसान जब चाहे बारिश करा सकते हैं और जब चाहे तूफान को भी रोक सकते हैं। लेकिन मूवी में ट्विस्ट तो तब आता है जब वो मशीन खराब हो जाती है और वो मशीन मौसम को सही करने की जगह मौसम को और ज्यादा खराब कर देती है, जिसके कारण मनुष्य धरती पर रह नहीं सकते हैं। तो अब आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। और आप लोग इस मूवी को हिंदी में यूट्यूब पर ट्राई कर सकते हो।